नमस्कार, आप देख रहे हैं वंदे भारत और आपके साथ मैं हूं अजिता। स्वच्छता में देश में 5 बार परचम फहराने वाले इंदौर शहर में आज एशिया के सबसे बड़े सीएनजी गोबरधन प्लांट का शुभारंभ हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्लांट का वर्चुअली लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा, हम जब छोटे थे तब इंदौर का नाम आते ही सबसे पहले देवी अहिल्याबाई होलकर, महेश्वर और उनके सेवा भाव का ध्यान जरूर आता था। समय के साथ इंदौर बदला और ज्यादा अच्छे के लिए बदला, लेकिन देवी अहिल्या की प्रेरणा को कभी खोने नहीं दिया। पीएम मोदी ने कहा, बेसहारा मवेशियों से होने वाली परेशानी भी इस तरह के गोबरधन प्लांट से कम हो जाएगी। गोबरधन योजना यानी कचरे से कंचन बनाने के अभियान का असर हो रहा है। कचरे और गोबर से गैस बनेगी, इससे लोगों को आय भी होगी। इसकी जानकारी जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले वो उतना ही अच्छा है। इस प्लांट से सीएनजी के साथ ही 100 टन जैविक खाद भी रोज निकलेगी। सीएनजी से प्रदूषण कम होगा, वहीं सभी को जीवन जीने में सुविधा बढ़ेगी। साथ ही पीएम मोदी ने एक फैसला किया है कि कोयले से चलने वाले बिजली कारखानों में पराली का उपयोग किया जाएगा। इससे किसानों को अतिरिक्त आय मिलेगी, साथ ही प्रदूषण भी कम होगा। उन्होंने कहा कि एक अनुमान है कि इस प्लांट से बनने वाली सीएनजी से करीब 400 बसें चलेंगी। सैकड़ों युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, यानी ये ग्रीन जॉब्स को भी बढ़ाने में मददगार होगा। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पॉलिथीन पर प्रतिबंध लगाकर मैं भी झोलाधारी इंदौर अभियान शुरू किया जा रहा है। सीएनजी प्लांट में गोबर का इस्तेमाल भी किया जाएगा। ये गोबर हम आसपास के गांव से 5 रुपए प्रति किलो खरीदेंगे। मध्य प्रदेश में सोलर एनर्जी, बायो एनर्जी पर भी काम चल रहा है। पर्यावरण को बचाने के लिए एमपी में अंकुर अभियान चलाया जाएगा। मैं भी रोज एक पेड़ लगा रहा हूँ। अब प्रदेश में 6,000 लोग रोज एक पेड़ लगा रहे हैं।